हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आरके सिंह और आप इस वीडियो में देखेंगे डिफरेंशिएशंस, क्लास 11th के डिफरेंशिएशंस के कुछ टॉपिक्स को हम लोग यहां पर डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए, आप सबसे निवेदन है कि चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएँ और चैनल की ग्रोथ करवाएँ और हम आपके ग्रोथ के लिए जो आपके नीड होगी उसको लेकर हम आएंगे। यानी कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो क्वेश्चंस हो, चाहे वो टॉपिक्स हो या पूरे चैप्टर्स हो, उसको आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट्स के रूप में भेजें। अगला टॉपिक्स या अगला चैप्टर्स या अगला क्वेश्चंस वो आपका भेजा हुआ मैसेज होगा, यानी कि आपके कमेंट्स किए हुए टर्म्स होंगे, चाहे वो क्वेश्चंस हो, चाहे टॉपिक्स हो या पूरे चैप्टर्स हो। मैथ साइंस 6 to 8, मतलब 8 बार बार बोल देते हैं, 6 से 12 तक के सारे बच्चे, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के हो, या फिर वो मैथ के लिए क्वेश्चंस हो या साइंस के लिए क्वेश्चंस हो, आप सारे क्वेश्चंस इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अगला वीडियो आपके क्वेश्चंस का होगा या आपका टॉपिक होगा या आपका कोई चैप्टर्स होगा। तो चलिए, इससे पहले हम लोग लिमिट्स के सारे थॉट्स को, कॉन्सेप्ट्स को और एग्जांपल्स को देख लिए, इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन में चलते हैं। तो डिफरेंशिएशंस में क्या क्या है वो उस पर देख लेते हैं। डिफरेंशिएशंस ऑफ ए फंक्शन, तो हमें फंक्शन तो एक लेना पड़ेगा। चलिए एक फंक्शन ले लेते हैं और ये है कि माना कि y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए विद अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब एक चीज़ देख लें यहाँ पे कि एक तो सबसे पहले कि अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा फंक्शन तो वो डिफरेंशिएशन, मतलब उसके डेरिवेटिव्स नहीं निकाले सकते, क्योंकि वो डिफरेंशिएबिलिटी उसकी नहीं होगी। फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होगा ये लिमिट्स में आपको समझा दिया गया है, और इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि हर एक वीडियोस, हर एक टॉपिक्स आपके अगले टॉपिक्स के लिए सपोर्टर्स के रूप में वर्क करेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना चाहिए और जुड़ना चाहते हैं हमसे तो जुड़े रहिए, आधे अधूरे मत जुड़िए, जुड़िए कम्प्लीट। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैथ आपके प्लस 90 तो ज़रूर बना देंगे, यानी कि 90 प्लस पे आपको ज़रूर ले चलेंगे। ठीक है, शर्त इतनी सी है कि आप वीडियोस या हमारे क्लासेस जो लाइव भी चलते हैं, क्लासेस के साथ या हमारे साथ जुड़ जाइएगा, बाकी हमारे सारे स्ट्रीम्स को आप फॉलो कर लीजिएगा और घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, जो प्रॉब्लम आता है हम तक पहुँचाइएगा, ज़रूर आपको 90 प्लस मैथ में तो पहुँचा देंगे, साइंस भी कंप्लीट करवाई जाएगी। लेकिन पहले मैथ की बात करते हैं। चलिए, कहता है कि एक हमने मान लिया कि y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एक कंटिन्यूअस गिवन कंटिन्यूअस फंक्शन, फंक्शन कंटिन्यूअस है पहले से ही मान लेते हैं, अन्यथा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी कि उसके डेरिवेटिव्स नहीं निकाले जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये तर्क होगा कि जैसे कि एफ एक्स, मान लीजिए कि हम y लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, यानी कि y जो है वो टोटली x पे डिपेंडेबल है, टोटली x पे डिपेंडेबल है। अगर x की वैल्यू में जो भी वैल्यूज ये इंक्रीज करेगा, y उसी रेशियोज में इंक्रीज करेगा। सपोज कीजिए कि x अगर हम 1 लेते हैं तो y 2 होगा, अगर x 2 लेते हैं तो y 3 हो जाएगा, मतलब हमेशा वो उससे एक ज़्यादा होगा इस कंडीशन के अनुसार। अगर हमने लिया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x अगर 1 है तो y 1 है, लेकिन x अगर 2 है तो y 4 है, यानी कि उसके स्क्वायर टाइम्स, यानी कि जितना वो x की वैल्यू लेंगे उतना टाइम्स वो उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शंस हो गया, और ये इसका मीनिंग्स है कि y इज टोटली डिपेंडेबल टू एक्स। अब यहाँ पे हम एक सपोजिशंस और लेते हैं, लेट डेल्टा एक्स
एक टर्म्स लेंगे डेल्ट एक्स बी इंक्रीमेंट इन वाई, डेल्ट एक्स लिया तो इन एक्स होगा, इन एक्स देन इट मस्ट बी corresponding change in y, corresponding change in y इसको ले लेंगे, that means delta y, ये हमने मान लिया corresponding change है। अगर delta x एक बहुत छोटा सा चेंजेज अगर हम x में करते हैं तो y में भी वैसा ही एक छोटा सा चेंजेज हो जाएगा। एंड फंक्शंस मस्ट बी, फंक्शंस क्या हो जाएगा डैट गिव्स, अगर इसको लिया कि ये वन मान लेते हैं तो दूसरा हो जाएगा वाई प्लस डेल्ट वाई, ये चेंजेस वाई में करस्पॉन्डिंग हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ये फंक्शन में एफ एक्स में एक्स प्लस ये डेल्ट एक्स चेंजेज हुए थे। इसको इक्वेशन नंबर हमने टू ले लिया। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग चेंजेस की बात कर रहे हैं तो ये सब पोजीशन है, ये सो स्मॉल, ये चेंजेस हम लेते हैं सो स्मॉल, मतलब बहुत छोटे सी चेंजेस, लेकिन छोटा वाले चेंज या बड़ा ले, एक्स चेंज हुआ है तो वाई चेंज होगा। अब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं पहले, तो हम क्या करते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2-1 वी गेट, ये देखिए जब दूसरे में से पहला माइनस करेंगे तो ये वाई और वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे डेल्ट वाई बचेगा और यहाँ पे हो जाएंगे फंक्शन, चूँकि ये अलग नहीं है फंक्शंस है, तो x प्लस डेल्ट x माइनस एफ एक्स, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। ठीक है, नाउ डेल्ट x इज डिवाइडेड बोथ साइड, वी गेट डेल्ट वाई डेल्ट एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्ट एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्ट एक्स। अब यहाँ पे हमने पहले ही कहा है कि ये डेल्टा एक्स जो हमने चेंज लिया इज बी सो स्मॉल, तो यहाँ पे हम लेंगे कि डेल्टा एक्स सो स्मॉल एज मच एज इट टेंस टू ज़ीरो, इतना स्मॉल सा है कि हम इसको टेंस टू ज़ीरो ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कि देयरफॉर लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल्ट वाई बाई डेल्ट एक्स, क्योंकि अगर बहुत छोटी चेंजेज हो तो वो लिमिट से ही कैलकुलेट हो सकती है, क्योंकि इतना छोटा है कि वो ज़ीरो को डेल्ट एक्स टच करने वाला है लेकिन टच नहीं किया, मतलब वो ज़ीरो नहीं है फिर भी ज़ीरो के बहुत करीब है, तो ये कैलकुलेशन केवल लिमिट से किया जा सकता है, ये कैलकुलेशन डायरेक्ट वैल्यू से नहीं किया जा सकता। तो लिमिट ले लिया, चूँकि पेज कम है उस चीज़ को हम लिख नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि डेल्ट एक्स सो मच सो स्मॉल डैट इट कैन बी टेकन एज टेंस टू ज़ीरो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ध्यान रहे हमेशा, यही यहाँ पे फैक्ट्स है और यही यहाँ पे कंसेप्ट है कि टेकन, और उसके बाद जो हमारा स्टेटमेंट होगा टेकन लिमिट देयरफॉर
टेकन लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो हमने ले लिया, तो दोनों तरफ लेना पड़ेगा हमें, और ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। और यही कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का, इसको बेसिक फॉर्मूला कहें या बेसिक कॉन्सेप्ट कहें, डेरिवेशंस का यही है कि छोटा सा छोटा चेंज भी एक दूसरे को डिपेंडेबिलिटीज पे लाएगा, और वो एक दूसरे से डिफरेंशिएबल तब होंगे जब वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये लिमिट टेंस टू डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स डैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, यानी कि फंक्शन ऑफ चेंज इन क्वांटिटी या डिपेंडेंटेबल टर्म्स माइनस फंक्शन ऑफ ओरिजिनल टर्म्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। और ये बेसिक कंसेप्ट है डेरिवेटिव्स का, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस का ये बेसिक कंसेप्ट है। इसको हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि यदि ये इनफाइनाइटली यानी कि फाइनाइटली क्या एग्जिस्ट है, मतलब ये जो टर्म्स हमने लिया यहाँ पे फिर से एक बार लिख देते हैं कि लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल्ट वाई बाई डेल्ट एक्स डेट इज इक्वल टू लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू ज़ीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्ट एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्ट एक्स। ठीक है, ये अगर फाइनाइटली, फाइनाइटली मतलब कि एक पॉइंट्स पे, जैसे कि हम लोग उसमें एग्जिस्टेंस देख रहे थे कि लिमिट्स जहाँ पे एग्जिस्टेंस ढूंढ रहे हैं तो वो एट ए पॉइंट होता है, ऐसा नहीं कि आप अब्रॉडली या जनरली बोल दिया कि ये लिमिट है एग्जिस्ट हो रहा है कहाँ पॉइंट्स पे। तो इसीलिए लगाया कि फाइनाइटली अगर एग्जिस्ट है यानी किसी पॉइंट्स पर एग्जिस्ट है तो इसी को हम लोग कॉल्ड कहते हैं डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स, उस फंक्शंस का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या उस फंक्शन का डेरिवेटिव्स कहते हैं, और वो जिसके साथ डिपेंडेबिलिटी दिखाता है वो उसके रेस्पेक्ट्स में कहते हैं। अब यहाँ पे आगे चल के बताएंगे कि रेस्पेक्ट्स में कहते हैं उसका क्या मतलब होगा, तो चलिए आगे पहले यहाँ देख लेते हैं। रेस्पेक्ट टू एक्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाई डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म्स जो लिमिटिंग पॉइंट्स पे लेंगे इसी टर्म्स को हम लोग कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स। डैट मीन्स ये एक्चुअली है क्या, तो ये है डी बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, और जो टर्म्स निकलेगा उसको हम कहेंगे कि डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ वाई, ये टर्म्स कहलाएगा, ये y की जगह ये fx हमने पुट किया है, या फिर इसको डिनोट करेंगे f डैश ऑफ फंक्शन x, यानी कि x वो पॉइंट्स है जिस पे ये पूरा का पूरा फंक्शन डिपेंड है। x अगर कोई एल्जेब्रिक फॉर्म्स है तो उसका जो फॉर्म्स है उसी अनुसार ये पूरा का पूरा फंक्शन डिफाइंड होगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को, यह फार्मूला चल रहा है, डेफिनेशन से मान लें इसको, आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, या आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स पे आप ध्यान देते हैं तो जब आप बोर्ड के लिए जाते हैं, देखिए इसमें फ़ायदे कितने हैं, कौन कौन से फ़ायदे हैं, अगर बोर्ड्स के लिए जाते हैं यानी बोर्ड्स मतलब 11th के जब एग्ज़ाम्स के लिए आप जाएंगे तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके 4 नंबर में कि डिस्क्राइब द डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन, तो ये पूरा आपको टच करना पड़ेगा, यहाँ तक आकर उसकी डिफिनीशंस ख़त्म होती है, ये डिफिनीशंस है। ठीक है, दूसरा चीज़ कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी है, इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग आगे जो पढ़ेंगे इसी वीडियो में आपको मिलेगा फर्स्ट प्रिंसिपल्स, डेरिवेटिव्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, चले आगे मिलेगा हम लोगों को, ये यही फार्मूला होगा, यानी कि डेफिनीशंस के द्वारा जो हम डेरिवेटिव्स निकालेंगे
वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ डेरिवेटिव्स कहलाएगा। और दूसरा ये डिफिनीशन सी हो जाएगा, तो यहाँ तक आप डिफाइन करेंगे, यानी कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स इज नोन एज डिफ्रेंसिएशंस। तो ये हो गया कि डिस्क्राइब द डिफ्रेंसिएशंस। अगर केवल डेफिनेशन पूछा कि डिफाइन द डिफ्रेंसिएशन, तब तो यही लिख देंगे द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स इज नोन एज डिफ्रेंसिएशंस लाइक एज डैट इट इज डिनोटेड बाई। लेकिन अगर कहेगा कि डिस्क्राइब द डिफ्रेंसिएशंस, तब आपको पूरा प्रोसेस जो आपके ये पिछले पेज पे आपने किया, जो जो सपोजिशन किया, जो जो सब्स्टिट्यूशन किया, टेकिंग किया, एडिशन किया, सब्ट्रैक्शंस किया, डिवीजन किया, लिमिट टेक किया, तो ये सारी चीज़ें और यहाँ तक आकर ये कंप्लीट होगा डिफिनीशंस, यानी कि ये डिनोट्स होंगे। डी वाई बाई डी एक्स लिखें या फिर एफ डैश एक्स लिखें, ठीक है, या डी बाई डी एक्स फंक्शंस लिखे, ये सारी चीज़ें क्या है, ये इसके डिफिनीशंस में आते हैं। तो ये फॉर्म जो है आपका डिफिनीशंस ऑफ द डेरिवेटिव्स है या डिफ्रेंसिएशंस है। अब ये जो फॉर्म्स लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसी फॉर्म्स को हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल्स कहेंगे डेरिवेटिव्स की। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। अब आ जाइए कि डेरिवेटिव्स एट ए पॉइंट्स, डेरिवेटिव्स तो हमने निकाल लिया, उसको हम ये किसी पॉइंट्स पर पुट करेंगे। तो जैसे कि अगर हम यूज कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स और एक्स इज इक्वल टू एट, तो ये से लिखेंगे, या फिर ये साइन जो है एफ डैश सिंगल डैश और ये जो ए है, तो इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू ए पे डेरिवेटिव होगा, डिनोटेड निकालेंगे, यानी कि द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स, उसको जब डेरिवेट कर देंगे, उसकी डेरिवेटिव्स निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा जब वो एक्स के अदर वैल्यूज को, मतलब एक्स के टर्म्स में डेरिवेट्स होगा, फॉर्मूले में हम लोग जो आएंगे फाइंडिंग्स में करेंगे, एक्स की जगह ए रखने पे जो पूरा कैलकुलेशन आएगा वो क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, और वो इस तरह से डिनोट होगा। दूसरी चीज़ है कि अगर एफ डैश ए एग्जिस्ट, वी से डैट फंक्शन एफ इज ए डिफ्रेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू, कंटिन्यूस है, तब वो डेरिवेटिव्स होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे फंक्शन एफ डैश एग्जिस्ट है, जैसे कि कोई फंक्शन आपको दिया गया है और उसमें ए कोई वैल्यू है रखा जाए और जीरो बाई जीरो आ गया, वो डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ गया वो एग्जिस्ट नहीं है, कोई नंबर बाई जीरो आ गया वो एग्जिस्ट नहीं है, तो तब ये डिफ्रेंसीबल नहीं होगा, ये एग्जिस्ट होना चाहिए, और ये फंक्शंस नहीं, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस उसका एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। आगे चलेंगे तो इस चीज़ को हम लोग समझ जाएंगे। अगला है कि इफ एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, वी से डैट एफ एक्स इज डिफ्रेंसिएबल। अगर हमने एफ डैश एक्स को एग्जिस्ट देखा, ये वैल्यू है और ये डेरिवेटिव्स है, अब डेरिवेटिव्स किसी दिए हुए एक्स के वैल्यू पर इन्वर्सली, यानी कि उसके टोटल वैल्यूज पे एग्जिस्ट करता है, तब वो एफ एक्स डिफ्रेंशिएबल होगा। दो कंडीशन इसके पास होना चाहिए, ये भी एग्जिस्ट होना चाहिए और ये हर वैल्यू के लिए, एक्स के हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, अगला टॉपिक है हम लोगों का डिफ्रेंसिएशंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ऑब्टेनिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ ए गिवन फंक्शन बाय यूजिंग द डिफिनीशन ऑफ कॉल्ड डिफ्रेंसिएशंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल और ए बी इनिशियो और बाय डेल्टा मेथड। डेल्टा हमने यूज किया था ना, इसलिए डेल्टा मेथड भी कर सकते हैं या ए बी इनिशियो, अल्फ़ाबेट्स हम लोग ए बी सी से करते हैं ना, तो ए बी इनिशियो, ठीक है। इस तरह के जो भी हम फाइंडिंग करेंगे वो होगा डिफ्रेंसिएबल फ्रॉम डिफ्रेंसिएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, जैसे कि मैंने पीछे कहा। और वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था लिमिट
डेल्ट एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस डेल्ट एक्स, और यहाँ पे लेंगे लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल्ट वाई बाई डेल्ट एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्ट एक्स। ये फॉर्मूला था, और इससे हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसको हम लोग कहेंगे डेरिवेशंस या डिफ्रेंसिएशंस ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। आइए एग्जांपल में समझेंगे, ये ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो पहला एग्जांपल्स है कि एक्स टू द पावर सिक्स को फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें डिराइव करना है, यानी डेरिवेटिव्स फाइंड करना है, यानी कि डिफ्रेंशिएट करना है। इसका मतलब ये है कि आपको गिवन है कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। मान लिया कि हमने ले लिया कि लेट फंक्शन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर आप ये ले सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फंक्शन दिया गया है, फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें करना है। तो हम ले लेते हैं वही जो टर्म्स वहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखेंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा और पेज भी हमारा कम पड़ेगा, तो फिर छोटे छोटे कहीं कहीं कैलकुलेशन लिखना पड़ता है तो वो आपको समझ में नहीं आता है। आप वहीं समझ लेंगे, वहीं लेना है हमको कि लेट डेल्ट एक्स इंक्रीमेंट इन एक्स, देयर फोर इट मस्ट बी डेल्ट वाई, या फिर ए सर्टेन कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन वाई। ये ज़रूरी है कि एक्स में अगर कोई छोटा भी इंक्रीमेंट होता है तो वो वाई में भी होगा। तो यहाँ हमें ये मिल जाएगा कि अगर वो इंक्रीमेंट हम लेते हैं कि डेल्ट एक्स हुआ है, तो ये मिल जाएगा डेल्ट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्ट एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर, ठीक है। अब ये डिफरेंसेस मिलेंगे वाई होगा तो, अब जैसे कि हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालते हैं तो कैलकुलेशंस हमारा क्या होता है, जैसे हमने लिया था कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इंक्रीमेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा वाई इक्वेशन, ये फर्स्ट था और इंक्रीमेंट होता तो ये हो जाते एक्स प्लस डेल्ट वाई इज इक्वल टू डेट स्क्वायर। माइनस कर देते कि ये सेकंड लेते, सेकंड से फर्स्ट माइनस करते, हमें क्या मिलता कि डेल्ट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्ट एक्स द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और उसी तरह अगर डिवाइड कर देते इसमें क्या चीज़, डेल्ट वाई बाई डेल्ट एक्स डेट इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्ट एक्स द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्ट एक्स। और ये सारे टर्म्स हम लिख रहे हैं चूँकि पेज छोटा है, कैलकुलेट करेंगे हटेगा नहीं तो हमको पेज लेना पड़ेगा दूसरा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको बता देते हैं कि इसी पेज पर हो जाएगा, पहले पेज पर जो हमने लिखा है कि यानी कि डेल्ट चेंज इन एक्स इट मस्ट बी ए कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई सेड डेल्ट वाई, सो फंक्शंस विल बी एक्स वाई प्लस डेल्ट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्ट एक्स द होल स्क्वायर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऑन सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम सेकेंड वी हैव डेल्ट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्ट एक्स द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बाई ए स्मॉल डेल्ट एक्स, तो ये हो जाएगा डेल्ट वाई बाई डेल्ट एक्स डेट इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्ट एक्स द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्ट स्क्वायर। फिर वहाँ लिखेंगे कि डेल्ट एक्स इज डेल्ट, हम बोल रहे हैं डेल्टा भी लोग बोलते हैं, डेल्टा एक्स इज सो स्मॉल दैट इट कैन बी टेकन टू क्लोज टू क्या ज़ीरो, सो इट मस्ट बी टेंस टू ज़ीरो। तो वो लिमिट्स में लेंगे, डैट गिव्स लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल्ट वाई बाई डेल्ट एक्स डेट इज इक्वल टू लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू ज़ीरो, और यहाँ पे हो जाएगा, इसको ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू
एक्स डेल्ट एक्स और प्लस डेल्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई। अब ऐसा करेंगे तो हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा और हम यहाँ से थोड़ा अलग चलते चले गए, इसलिए यहाँ पे हो गया, क्योंकि यहाँ हमने ध्यान ही नहीं दिया ये क्या है, टू द पावर सिक्स है, तो हमको सारा मिटाना पड़ेगा। यहाँ टू दी पावर सिक्स है तो यहाँ सिक्स ले लिया, यहाँ सिक्स हो जाएगा, यहाँ सिक्स हो जाएगा, यहाँ सिक्स हो जाएगा, ये सिक्स सारे हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चेंजेस करना पड़ेगा, वो स्क्वायर था तो हम उसको स्क्वायर में तोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ हमें चेंजेस करना पड़ेगा कि टेन टू दी ए टू दी पावर अगर सिक्स भी लेते हैं तो वो हम अगर फैक्टर्स ले जाते हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम एक छोटी सी इसमें चेंजेस करते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और इसीलिए आपको सारे फैक्ट्स और सारे वीडियोस को देखना चाहिए। देखिए कितना आसान हो जाएगा, इसको हमने लिया कि x प्लस डेल्ट x, हालांकि यहाँ पे चेंज करके ही लिखते हैं हम, तो वो चेंजेस को आपको पहले समझा दे कि क्या है। अब ये देखिए कि यहाँ पे डेल्ट एक्स है और हम इसको लिखना अगर चाहें कि एक्स प्लस डेल्ट एक्स माइनस एक्स, तो ये कैलकुलेट होकर कितना आएगा डेल्ट एक्स, तो इसको हम लिख देते हैं एक्स प्लस डेल्ट एक्स माइनस एक्स। अब ऐसा करने से हमें क्या हुआ कि हमारा ये कैलकुलेशन नहीं चेंज हुआ, लेकिन हमें एक फॉर्मूले मिलने वाले हैं। कैसे मिलेगा, तो जब हमने लिया कि डेल्ट एक्स सेंस टेंस टू ज़ीरो, तो एक्स प्लस डेल्ट एक्स कितना कहाँ टेंस करेगा, तो वो टेंस करेगा एक्स पे, यानी कि डेल्ट एक्स ज़ीरो की तरफ जाएगा तो डेल्ट एक्स प्लस एक्स किधर जाएगा, वो जाएगा एक्स की तरफ। तो ये चेंजेज हमने ले लिया, इससे हमें क्या मिलेगा कि ये जो लिमिट्स है हमारा एक फॉर्मूला दे देगा, और वह कैसे देगा, तो ये लिमिट हो जाएगा x प्लस डेल्ट x टेंस टू x, और ये हो जाएंगे x प्लस डेल्ट x द होल स्क्वायर सॉरी होल टू पावर सिक्स x के पावर सिक्स और डिवाइडेड बाई x प्लस डेल्ट x और माइनस एक्स। ये अब ऐसा चेंज हो गया, ठीक है। अब ऐसा चेंज हो गया तो आप अपने दिमाग में एक फॉर्मूले को याद कीजिए, और वो फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला है कि लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n a टू द पावर n x a इज इक्वल टू होता है n a n माइनस वन। ये लिमिट्स में आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हो भी हुए होंगे तो अगर हमारे साथ जुड़े रहते तो ये पीछे ही अभी लिमिट्स के बाद ही तो ये शुरू हुआ है, लिमिट्स में पहले ही बता दिया गया है, इन फॉर्मूलों को प्रूव्ड भी करवा दिया गया है। तो यहाँ ये लिमिट्स के फॉर्मूले इस्तेमाल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ x की जगह x प्लस डेल्ट है और a की जगह x है, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यूज़ को हम लिखेंगे, और वो वैल्यू क्या होगा, तो पावर n की जगह देखिए आया है तो 6 और x का पावर 6 माइनस 1 डायरेक्ट वैल्यू आएगा, तो ये हो जाएगा 6x टू द पावर 5। और ये फर्स्ट प्रिंसिपल से किया गया डेरिवेटिव है, अन्यथा जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो हम लोग इसी फॉर्मूले को बार बार यूज करेंगे, हर जगह यूज करेंगे, डायरेक्ट पावर को बाहर लाएंगे मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे और पावर से एक कम उस फंक्शन का हम पावर बना लेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लिमिट, क्योंकि अब ये देखिए यहाँ पे जो हमने लिमिट्स लिया था, ये लिमिट्स
इसको पीछे की आपको पेज पे दिखाया गया है कि ये क्या है था डी वाई बाई डी एक्स को ही हमने ये लिया है। ये देखिए ये वाला जो टर्म्स है डी वाई बाई डी एक्स को हम या तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स या फिर ऐसा लिखे, ये दोनों एक ही टर्म्स है। तो मान लीजिए कि हमने लिया डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब था कि डी बाई डी एक्स फंक्शन एफ एक्स या फिर डी बाई डी एक्स वाई, ये टर्म्स है। और जब हमें इसके बराबर मिलेगा तो हम डी वाई बाई डी एक्स लगाते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स इसकी जगह अगर हमको मिलता है डी बाई डी एक्स और एक्स टू द पावर से एक्स सेवन एट नाइन्थ, तो डायरेक्ट उस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे जो लिमिट का फॉर्मूला हमने यूज किया है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इस फॉर्मूले को हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेंगे। यानी कि अगर ये डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे जब हम अदर उसमें चलेंगे, जब तक उस पर फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लिखा रहेगा, तो डायरेक्ट फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर फाइव, तो हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे फाइव, ठीक है। और जब फर्स्ट प्रिंसिपल से दिया रहेगा तो ये जो टर्म्स है उस टर्म्स को हम निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे है फर्स्ट प्रिंसिपल से ही ई टू द पावर थ्री एक्स को करना, तो सिमिलरली वहीं पहला हमारे पास लेट हो गया कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर थ्री एक्स, फर्स्ट इक्वेशन चेंज जब हमने किया तो ये क्या मिलेगा, y प्लस डेल्ट y इज इक्वल टू ई थ्री प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन में ही रहेगा वो, x की जगह चेंज जाएंगे x प्लस डेल्ट एक्स, ये इक्वेशन नंबर टू। तो टू माइनस फर्स्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्ट वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर थ्री एक्स प्लस थ्री डेल्ट एक्स माइनस ए टू द पावर थ्री एक्स, ठीक है। इसको फर्दर अगर हम सिंपलेस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्ट वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर थ्री एक्स इंटू ए टू द पावर थ्री डेल्ट एक्स माइनस ए टू द पावर थ्री एक्स, ठीक है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्ट वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर थ्री एक्स, ये क्या हो जाएंगे कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और बच जाएगा कितना ए टू द पावर थ्री डेल्ट एक्स माइनस वन, ठीक है। आप क्या करेंगे दोनों तरफ ये जितने चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये आपको लिखना है वहाँ पे, ठीक है। जब एक्सरसाइज हम लोग करेंगे तो वहाँ कम से कम एक दो क्वेश्चन ज़रूर मैं पूरा करके बताऊँगा। जैसे अभी वहाँ पे पिछले पेज पे हमने पूरा रिटेंस में करके दिखाया कि क्या क्या वहाँ लिखेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ लिखना है, इसलिए एक बार मैंने बोल दिया है, आप बोलते जा रहे हैं, आप ज़रूर लिखिएगा इसको। यहाँ पे क्या करेंगे, हमको डी बाई डी एक्स का हम इस्तेमाल करेंगे डिवीजन के लिए, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डेल्ट एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर थ्री एक्स, ए टू द पावर थ्री डेल्ट एक्स माइनस वन, और ये हो जाएगा ए डेल्ट टू द पावर डिवाइडेड बाई डेल्ट टू एक्स, ठीक है। लिमिट लेना होगा क्योंकि ये बहुत छोटा है, जीरो के पास है, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल्ट वाई बाई डेल्ट एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू ज़ीरो और ई टू द पावर थ्री एक्स, और ये हो जाएगा डेल्ट ई टू द पावर थ्री डेल्ट एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई डेल्ट एक्स, ठीक है। और जब हमने एक वहाँ पे देखा बोला था कि रेस्पेक्ट टू एक्स दिया हुआ है, तो इसको हम बाद में बताएंगे, तो पहले लिमिट्स में बता दें।
कि लिमिट्स जो लिमिट्स है यहाँ टेंस कर रहे हैं, इसके अलावा चाहे वो नंबर हो चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हो, सारे इनडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ डेल्ट एक्स है टेंस टू ज़ीरो, तो डेल्ट एक्स को छोड़कर सारे कॉन्स्टेंट हैं। वाई आएगा, एक्स आएगा, जेड आएगा, चाहे फोर आए थ्री आए, सारे उससे इंडिपेंडेंट हो गए। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ई टू दी पावर थ्री एक्स डेल्ट एक्स से फ्री है, तो ये कॉन्स्टेंट हो गया। इसको हम लिख सकते हैं ई टू दी पावर थ्री एक्स, और लिमिट को अलग कर सकते हैं लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू ज़ीरो ई टू दी पावर थ्री डेल्ट एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई डेल्ट एक्स। ठीक है, यहाँ कर सकते हैं ऐसा। ये थ्री है, थ्री टू ई टू दी पावर थ्री एक्स, तो ये बाहर हो सकता है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि अब फिर से हम चलते हैं फॉर्मूले में। कौन से फार्मूले में? लिमिट्स के फार्मूले में। लिमिट्स में एक फार्मूला है कि लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो ई टू द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स डैट इज इक्वल टू वन। ये लिमिट में एक फार्मूला है। लेकिन यहाँ ई टू द पावर थ्री डेल्ट एक्स है, डेल्ट एक्स डिवाइड है लेकिन थ्री नहीं है, तो थ्री यहाँ मल्टीप्लाइड कर देते हैं, तो यहाँ भी मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो अब ये टर्म्स हो गया कि लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू डेल्ट वाई बाई डेल्ट एक्स इज इक्वल टू थ्री, ये और ये दोनों कांस्टेंट है, तो थ्री ई टू द पावर थ्री एक्स लिमिट डेल्ट एक्स टेंस टू ज़ीरो, थ्री डेल्ट एक्स यहाँ कर लेंगे क्योंकि डेल्ट एक्स अगर ज़ीरो है तो थ्री डेल्ट एक्स भी ज़ीरो ही होगा। e टू द पावर थ्री डेल्ट एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री डेल्ट एक्स, और इस फार्मूले में ये कन्वर्ट्स हो गया। जैसे ही इस फार्मूले में ये कन्वर्ट्स हुआ, ये पूरा का पूरा टर्म्स वन हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि ये थ्री e टू द पावर थ्री एक्स ये फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला हुआ क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर डायरेक्ट इसको करना होता तो यहाँ पे हम ले लेते हैं डी बाई डी एक्स ई टू द पावर थ्री एक्स, तो इसको हम लिखते हैं डी डी एक्स ई टू द पावर थ्री एक्स डॉट डी बाई डी एक्स, ये डी बाई थ्री डी एक्स थ्री एक्स और डी बाई डी एक्स थ्री एक्स, तो यहाँ पे हो जाता है ये होता है उतना ही, तो e टू द पावर थ्री एक्स और यहाँ थ्री डी बाई डी एक्स एक्स ये वन हो जाता है, तो ये हो जाता है थ्री e टू द पावर थ्री एक्स। ये डायरेक्ट हम ऐसे करते फर्स्ट प्रिंसिपल से ऐसे करेंगे। अब फिर अब यहाँ समझिए कि अगर यहाँ पे हमें मिल जाता डी बाई डी एक्स और e टू द पावर वाई, ठीक है, तो e का फंक्शन किस टर्म्स में है, y में है, और डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो x के रिस्पेक्ट में, यानी कि ये कांस्टेंट टर्म्स है। e टू द पावर y क्या है, इससे इंडिपेंडेंट है, तो लिमिट में इंडिपेंडेंट होता है तो वो बाहर वही नंबर आता है, लेकिन डिफ्रेंशिएट डेरिवेटिव्स में अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा और दूसरा कोई डिपेंडेबल टर्म्स नहीं होगा, तो ये इसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, तो एक्स में चेंज का अनचेंज का कोई फर्क दूसरे फंक्शन में नहीं पड़ने वाला है, और इसलिए वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। वहाँ सारे कैलकुलेशंस ज़ीरो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई चेंज होगा ही नहीं। अगर ये रहता तो ये भी उतना, तो माइनस ही करते ज़ीरो आ जाता, तो डेरिवेटिव्स इसका लेते हैं वो ज़ीरो ही आता। ये आगे के जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे ज़रूर उसमें आएगा, तो आप देख लें कि d बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, ये भी फॉर्मूले में रहेगा। तो आज डिफ्रेंशिएशन के जो मूल बेसिक कंसेप्ट है वो यही है फर्स्ट प्रिंसिपल्स। बाकी हम फार्मूले जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करते हैं, और उन्हीं फार्मूलों को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं।
अब इसमें कुछ फॉर्मूले है, उसको देख ले कौन कौन सा हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे। तो ये देखिए अभी जो हम लोगों ने लिमिट्स का यूज़ किया, और लिमिट से भी यही आया, यही होगा कि अगर हमारे पास डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन है तो ये वैल्यू होगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स है तो कॉस एक्स होगा, डी बाई डी एक्स टेन एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स होगा, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स है तो माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स होगा, डी बाई डी एक्स ई एक्स है ये भी दिखाया ई एक्स होगा, कॉस है तो माइनस साइन होगा, सेक है तो सेक एक्स टेन एक्स होगा, और कॉट है तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। और ये जितने फॉर्मूले हैं इन सारे फॉर्मूलों को मैं अगले वीडियो में प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा। और उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है, उसको हम बता दें कि डी बाई डी एक्स अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्स्टेंट टर्म्स इज इक्वल टू जीरो होगा, और दूसरी चीज़ कि अगर हमारे पास है डी बाई डी एक्स फंक्शन तो ये प्रोडक्ट में आकर डिफ्रेंशिएट होंगे, प्रोडक्ट में आकर मतलब कि पहले जो ये होगा कि डी बाई डी जी एक्स एफ जी एक्स इंटू, अब अगली बार होगा डी बाई डी एक्स जी एक्स, इन दोनों को अलग अलग, मतलब ये पहला फंक्शंस को करेंगे तो ये फंक्शन जो होगा वो रेस्पेक्ट्स रहेगा तो उसके रेस्पेक्ट्स में ये कैलकुलेट होगा, और फिर ये फंक्शन इस जो डिपेंडेबल टर्म्स है उस टर्म्स में उसके रेस्पेक्ट्स में डिफाइंड होगा, और इसको चेन रूल कहते हैं। ये आगे आएगा हम बताएंगे, क्वेश्चन आएगा उसमें दिखाएंगे, क्वेश्चन तो यहाँ आ गया कि हम लोगों ने इसको चेन रूल से ही किया, ये टर्म्स ये चीज़ें जो हमने किया ये चेन रूल से ही किया। देखिए पहले 3x से हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, फिर x से डिफ्रेंशिएट किया, इसको चेन रूल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम आप लोगों को बता दें कि हम लोग यहीं तक रुकने वाले हैं, और अगले एक्सरसाइज में अगला वीडियो जो होगा उसमें एक्सरसाइज ही एग्जांपल्स कुछ होंगे, और साथ में और कुछ टर्म्स है जैसे कि चेन रूल्स कहा, चेन रूल्स यूज होगा, उसके बाद डिवीजन रूल्स है, कुछ रूल्स है उन डिफ्रेंशिएशन में उस रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे। उससे पहले जो ये फॉर्मूले आपको दिखाए हैं इन सारे फॉर्मूलों को फर्स्ट प्रिंसिपल्स है हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे, लेकिन ये काम होगा अगले वीडियो में, और इस वीडियो को हम यहीं रोकेंगे, लेकिन आप लोगों से फिर चलते चलते ये कहेंगे कि अगर आपको 90 प्लस मैथ में चलना है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, और हमारे साथ जुड़िए, 100% हम आपको वहाँ तक लेकर चलेंगे। साथ ही आपको हमारे चैनल्स पे ऑफर्स होता है और वो परमानेंटली चलता है, कैसे कि आप हम सब्सक्राइब करें और हमारे तक अपना नाम और क्लास, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9934596600 पर सेंड करें। ऐसा किए हुए लोगों की एक ही क्लास के मिनिमम 40 स्टूडेंट्स अगर हमें मैसेज करते हैं तो उनका एक ग्रुप बनाकर उनको एक मैसेज जाएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि आपके लिए एक फिक्स टाइम पर लाइव क्लासेस शुरू की जाएगी, और वो आपसे पूछा जाएगा कि आप वो किस बुक से पढ़ना पसंद करेंगे, जिस बुक से आप वो सभी लोगों उसमें से मैक्सिमम लोग हमें आंसर करेंगे उस बुक से आपके एक निश्चित समय पे लाइव क्लासेस शुरू हो जाएगी, और साथ में डाउट क्लासेस चलेगी जो कि मीट पर कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, और हमें सेंड करें। अगर संख्या आपकी ऐसी होती है तो आपके लिए लाइव क्लास चलेगा, अन्यथा के स्थिति में जब तक ऐसा आपके पास मैसेज नहीं जाता है इसका मतलब कि आपके ग्रुप उतने बड़े नहीं हुए, 40 तक नहीं पहुंचे हैं, तब तक आप अपने क्वेश्चंस कॉपी कीजिए, हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, अगला वीडियो जो होगा वो आपके क्वेश्चंस का होगा। और अगर आप नीचे नाम लिखते हैं अपना, प्रोफाइल नेम से हम नहीं बात करेंगे, लेकिन अगर नीचे अपना नाम लिखते हैं क्वेश्चंस या टॉपिक भेजकर, तो आपके नाम भी हम बताएंगे कि ये किसके द्वारा भेजा गया है और जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।